हेलो दोस्तों, आज हमारे फार्म पे एक विदेशी महिला राइडर आए जिनका नाम है एलेक्सा। इन्होंने मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस दिखाए। ये अरेबियन घोड़ों पे भी राइड करती हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के घोड़ों पे ये राइड कर चुकी हैं। ये हॉर्स सफारीज पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज करती हैं। जब मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी सवार हैं तब मैंने इनको दिलेर की राइड ऑफ़र की, मगर फिर भी पहला राउंड मैंने गैना जी से रिक्वेस्ट की कि गैना जी आप इनके साथ रहिए, क्योंकि दिलेर का कोई भी यकीन नहीं। जब इसको महसूस हो जाए कि राइडर चेंज हो गया है तो ये अपनी आई पे आता ही आता है। सो एक दो राउंड गैना जी ने इनके साथ लगाए, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता किसी के साथ। और वैसे भी दिलेर पिछले कुछ दिनों पे से रेस्ट पे है, एक दो चक्करों के बाद हमने सवार को और दिलेर को छोड़ दिया। जो लोग दो हाथों से सवारी करते हैं और उनके लिए एक हाथ से घोड़ा चलाना मुश्किल काम होता है, और जब मैंने एलेक्सा जी को थोड़ा समझा दिया कि आप अगर एक हाथ से राइड करेंगे तब जाके ये घोड़ा सेट हुआ। एक तंग जगह में घोड़े को कैंटर करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली यहाँ पे चारों तरफ कुछ चीज़ें खड़ी हों। उस समय दिलेर अपने रंग दिखाने से बाज नहीं आता। और कुछ घोड़ों में एक ट्रेनिंग की कमी कह लीजिए, कुछ उनकी आदत कह लीजिए, वो जल्दी ट्रॉट नहीं करते हैं, सीधा वो कैंटर ही करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसको ट्रेनिंग की कमी कहेंगे, मैं भी ये मान लेता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग में ये कमी रही। खैर, फाइनली एलेक्सा ने इसको कंट्रोल कर लिया। मैं जब इसको राइड करता हूँ तो इस कॉर्नर से पहले ही कंट्रोल कर लेता हूँ, मगर नए सवार को किसी घोड़े के साथ सेट होने में कुछ समय ज़रूर लगता है और उसको वो समय दे भी देना चाहिए। जैसे ही एलेक्सा ने इसको एक हाथ से कंट्रोल करना शुरू किया तब ये उनके कहने में आ गया। एलेक्सा इंडिया आई है, हमारे एक दोस्त हैं जसप्रीत जी या जस, उनके साथ, और जस ने इनको कई सारे घोड़े और फार्म इंडिया पंजाब के विज़िट कराए पटियाला के सराउंडिंग में, और एलेक्सा ने वहाँ जाके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मारवाड़ी और नुकरे घोड़े राइड किए। मैं ये दिलेरी मानता हूँ कि आप एक अनजान घोड़े पे बैठ जाते हैं और उसको कैंटर कराते हैं, उसको रियर कराते हैं, उसको कहते हैं कि दो पैरों पे खड़ा हो जाए, तो ये नॉट अ इजी जॉब। सो ये एक अच्छी और दिलेर राइडर है, इसीलिए दिलेर की सवारी भी इन्होंने की। उनका जो कॉन्फिडेंस देख के ही मैंने इनको दिलेर पे बिठाया, अदरवाइज़ मैं दिलेर की राइड हर एक आदमी को ऑफ़र नहीं करता। और सोशल मीडिया पे दिलेर की थोड़ी दहशत भी अब ऐसी हो गई है कि हर एक आदमी इस पे बैठना भी नहीं चाहता है। खैर, जो बंदा पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट हॉर्सेस को राइड कर चुका हो उस पे आप यकीन कर सकते हो कि वो किसी भी घोड़े को चला लेगा। और मुझे ये यकीन है कि एलेक्सा का दिलेर के साथ जो राइडिंग का तजर्बा है वो अमेजिंग रहेगा। कुछ घोड़ों को आपको हमेशा ईडी लगानी पड़ती है कि आप भागो, और इसको हमेशा रोक के रखना पड़ता है कि ये वॉक या
ट्रॉट हो जाए। खैर, इसका कैंटर का जो मज़ा है खुले मैदान में होता है, वो एक छोटे ग्राउंड में तो नहीं लिया जा सकता। और ये घोड़ा 10-15 किलोमीटर तो इजीली कैंटर भाग जाता है, और उसके बाद भी इसको रोक के ही रखना पड़ता है। कुछ लोग दिलेर की ब्रीड के बारे में पूछते हैं, तो इसका कोई दादा या परदादा काठियावाड़ी ज़रूर था। सो इसकी ब्रीड का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। और अलेक्सा को ये यकीन करने में काफ़ी समय लगा कि ये एक गेल्डिंग है, क्योंकि इसका जो एटीट्यूड है, इसका रुआब जैसा स्टैलियंस होते हैं उनके जैसा ही है। वैसे मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि गेल्ड होने के बाद भी घोड़े में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। हाँ, वो बस दूसरे घोड़ों से लड़ना बंद कर देता है, बाकी उसकी सवारी में उल्टा स्टैलियन के कंपैरिजन में निखार ही आता है। दिलेर, जिसको अब हमारे पास आए हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, और इस साल की ये राइड्स में पूरा मज़ा मुझे देने वाला है, क्योंकि अब इसकी जो रिदम मेरे साथ बन गया है। इस बार हम 24 जनवरी को राइड करने वाले हैं लॉन्ग राइडर्स ग्रुप में, लॉन्ग राइडर्स रेंज के ऊपर। बेशक ठंड ज़्यादा है, मगर ठंड के दिनों में आप लंबी सवारी कर सकते हो। जब एक घोड़ा किसी राइडर के काबू में आ जाता है, तो उसके चेहरे के हाव भाव और उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हो कि उसको कितना मज़ा उस राइड में आता है। इनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अलेक्सा स्टोरीज इनकी आईडी है। पूरी दुनिया में जो इन्होंने राइड की, उसके बहुत सारे राइडिंग वीडियोस इनकी इंस्टा आईडी पे हैं। दिलेर के अंदाज सबको भो लेते हैं, इसीलिए ऐसा घोड़ा हर एक आदमी का ड्रीम होता है कि कभी ना कभी हम इस पे बैठेंगे। मगर उनमें से कम लोग हैं जो दिलेरी करके ऐसे घोड़ों पे बैठ सकते हैं। जब आपके मन में एक बार एक दहशत आ जाए, ये घोड़ा गिरा देता है, या ये घोड़ा रोकने में मुश्किल है, या ये गिराने की कोशिश करता है, तब वो एक जो मेंटल सेटअप है, वो आपको घोड़े से दूर रहने की सलाह भी देता है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से मुक्सर मेले में बिजी रहा, बहुत सारे ब्लॉग्स पेंडिंग है जो मैं जल्द आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ।